अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कनाडा में 60 लाख के करीब अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़ का शिकार। महक़िकीन का कहना है कि मुतासर अफराद में 1.4 मिलियन बच्चे भी शामिल हैं। ग़िज़ाई अदम तहफ़ की शरह अल्बर्टा सूबे में सबसे ज़्यादा है। क्यूब का तनख्वाहों में 52% इजाफा गैर मुनसिफाना है। ओंटेरियो के वजीर तालीम का कहना था कि तालीमी शोबे के कारकुनों की तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं कर सकते, वसीतर पब्लिक सेक्टर को तनख्वाहों में इजाफे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। कैनेडियन हुकूमत का मुख्तलिफ सूबों में पासपोर्ट ऑफिस बढ़ाने का फैसला। शहरियों को पासपोर्ट की फराहमी मजीद तेज़ की जा सकेगी। शहरी 10 कारोबारी दिनों में अपना पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। चीनी फौज रूस के साथ फौजी मशकों में हिस्सा लेगी। रूस में मुश्तरका फौजी मशकें 20 अगस्त से 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। ईरान, रूस, बेलारूस और आर्मेनिया के मुख्तलिफ शोबों के मुश्तरका ड्रोन मुकाबले। आलमी बरदारी तालिबान के साथ एतमाद को बहाल करे। चीन का कहना है कि अफगानिस्तान की साबिक क़यादत को भी अपने तजुर्बात से मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। अज़ज़वाहिरी की काबुल में मौजूदगी, अमरीका का अफगान फंड जारी करने से इनकार। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo, or mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim, aur saaf. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दें इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के महक़िकीन की जानिब से जारी करदा एक नई तहकीक के मुताबिक साल 2021 में कनाडा में तकरीबन 5.8 मिलियन अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़ का सामना करना पड़ा। इस तादाद में 1.4 मिलियन बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में 60 लाख के करीब अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़ का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के महक़िकीन की जानिब से जारी करदा एक नई तहकीक के मुताबिक 2021 में कनाडा में तकरीबन 5.8 मिलियन अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़ का सामना करना पड़ा। इस तादाद में 1.4 मिलियन बच्चे शामिल हैं। महक्कीन ने खबरदार किया है कि पिछले 3 सालों में इस हवाले से कोई बेहतरी नहीं आई। तहकीक कनाडा में घरेलू खुराक के अदम तहफ़ 2021 के मुताबिक ये तादाद तमाम 10 सूबों में 15.9% घरानों के बराबर है। इस मुताले में सूबों में पूरी कोरोना वबा के दौरान और रिकॉर्ड महंगाई के मौजूदा दौर तक ग़िज़ाई अदम तहफ़ की शरह को देखा गया। महक़िकीन ने पाया कि पिछले 3 सालों में ये मसला बेहतर नहीं हुआ। मुताले के मुताबिक सूबों के दरमियान ग़िज़ाई अदम तहफ़ में बड़े फ़र्क हैं। क्यूबेक के 13.1% घरानों में से लेकर अल्बर्टा के 20.3% घरानों तक इससे मुतासर हैं। ओंटेरियो में 2021 में 6 घरानों में से 1 या 16.1% खुराक के अदम तहफ़ का शिकार थे, जिनकी तादाद 2.3 मिलियन अफराद के बराबर थी। इसके साथ साथ सूबे में 4.6% या 2,59,000 घरानों को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़ का सामना करना पड़ा।
जिसका मतलब है कि खानदान के अफराद ने खाना नहीं खाया, खाने की मकदार कम कर दी। मुहक्कीन का कहना है कि इंसानी सेहत और सेहत की देखभाल के निज़ाम पर पड़ने वाले असरात के पेश नज़र खुराक की अदम तहफ़ की बुलंद शरें बरकरार हैं और तशवीशनाक है। उनका ख्याल है कि अगर आमदनी महंगाई के साथ बरकरार नहीं रहती है तो खुराक के अदम तहफ़ का मसला मजीद खराब होने की तवक्को है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के वज़ीर तालीम स्टीफन लीची का कहना है कि तालीमी कारकुनों असातिज़ा के लिए तनख्वाहों में 52% इजाफा नहीं कर सकते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबा ओंटेरियो के वज़ीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि तालीमी कारकुनों असातिज़ा के लिए तनख्वाहों में 52% इजाफा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि 4 सालों में 52% तनख्वाहों में इजाफा, जैसे कि क्यूब ने तालीमी कारकुनों के लिए दरख्वास्त की है, एक फलक शगाफ गैर माकूल रकम है जो ओंटेरियो के टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुनसिफाना है। क्यूब के मुतालबे के जवाब में हुकूमत ने सालाना $40,000 से कम कमाने वाले कारकुनों को 2% सालाना और इस हद से ज्यादा कमाने वालों को 1.25% इजाफे की पेशकश की है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आदाद शुमार से पता चलता है कि जिंदगी गुजारने की कीमत फिलहाल 2% से ऊपर की शरह से बढ़ रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या तालीमी कारकुनों और वसी तर पब्लिक सेक्टर को तनख्वाहों में इजाफे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए जो उन अफराते जर की शरों की अक्कासी करती है, लीजे ने कहा कि क्यूब की मजमू मांग निजी शोबे की तनख्वाहों में इजाफे के मुताबिक नहीं थी। लीचे ने कहा कि हुकूमत की जवाबी पेशकश क्यूब अराकीन की बहुत फराह पेंशन, बहुत फराह दिलाना फवायद की भी हिफाजत करेगी। कैनेडा की वफाकी हुकूमत कौमी सतह पर पासपोर्ट पिकअप के 4 नए पॉइंट्स कायम करने का इरादा रखती है क्योंकि वो तवील इंतजार के औकात और बैकलॉग का इंतजाम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। वफाकी हुकूमत कौमी सतह पर पासपोर्ट पिकअप के 4 नए मुकामात कायम करने का इरादा रखती है क्योंकि वो तवील इंतजार के औकात और बैक लॉक का इंतजाम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है जिसकी वजह से दरख्वास्त का अमल महीनों से मुतासिर है। पासपोर्ट की दरख्वास्त और वसूली के नए दफातर टोवारियो क्यूबैक सो सैन मेरी ओंटेरियो शार्लेट टाउन PEI और रेड डियर अल्बर्टा में खोले जाएंगे। करीना गोल्ड पासपोर्ट सिस्टम की जिम्मेदार वजीर का कहना था कि इन मकामात पर दरख्वास्तें देने वाले लोग 10 कारोबारी दिनों में अपने पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इससे उन इलाकों में पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। गोल्ड ने कहा कि ओटावा मुस्तकबिल करीब में 9 या 10 इजाफी मकामात पर 10 दिन की तब्दीली की औकात की पेशकश करने का इरादा रखता है ताकि ज्यादातर कैनेडियन के 50 किलोमीटर के अंदर पासपोर्ट की खिदमात पेश करने के हुकूमत के हदफ को पूरा किया जा सके। पिकअप के नए मकामात खोलने का इकदाम हुकूमत की इस ताज़ा तरीन कोशिश की निशानदही करता है जिसे वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नाकाबले कबूल सूरत हाल के तौर पर बयान किया है जिसका सामना मुसाफरों को करना पड़ रहा है। सर्विस कैनेडा वो एजेंसी जो दरख्वास्तों पर कार्रवाई करती है और पासपोर्ट तकसीम करती है ने इस साल के शुरू में दरख्वास्तों में बेमिसाल इजाफे के बारे में मुतनबे किया था क्योंकि बैनुल अक्वामी सफर पर वापस जाने के ख्वाहिशमंद कैनेडियन की दरख्वास्तों से दफातर में रश देखने में आ रहा है। हुकूमत ने मजीद कारकुनों की खिदमात हासिल करने का वादा किया है और इंतजार के औकात को कम करने के लिए एक सरशार टास्क फोर्स को जमा किया है। इन कोशिशों के बावजूद कैनेडियन अपने पासपोर्ट हासिल करने से पहले महीनों की ताखीर की इत्तला देते रहते हैं। इन ताखीर से कुछ खानदानों को अपने सफरी मंसूबे मंसूख करने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक यकुम अप्रैल के बाद से सर्विस कैनेडा को 10,92,560 दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं जबकि इस अरसे में 7,48,784 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। चीन ने रूसी फौजी मशकों में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जबकि ईरान, रूस, बेलारूस और आर्मेनिया ने रवा हफ्ते वस्त ईरान के इलाके काशान में मिलिट्री ड्रोन मुकाबलों का आगाज किया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने रूसी फौजी मशकों में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जबकि ईरान, रूस, बेलारूस और आर्मेनिया ने रवा हफ्ते वस्त ईरान के इलाके काशान में मिलिट्री ड्रोन मुकाबलों का आगाज किया है। 4 ममालिक से 70 फौजी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में जिस्मानी फिटनेस और निशानाबाजी के 5 मराहिल होंगे। 4 ड्रोन डिवीजन भी मुकाबलों में शरीक हैं। फिजाई मदद,
आर्टिलरी फायरिंग की दुरुस्त निशानाबाजी, रात के वक्त जासूसी जैसे मुकाबले जारी हैं। दूसरी जानिब चीनी वजारत दिफा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीन की फौज रूस में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेगी। चीन की वजारत दिफा का कहना है कि मशकों में शमूलियत रूस के साथ दो तरफा तआवुन के मुआहदे का हिस्सा है। चीनी वजारत दिफा ने यह भी कहा है कि इन फौजी मशकों का मकसद दीगर ममालिक की फौज के साथ तआवुन को गहरा करना है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस में मुश्तरका फौजी मशकें 20 अगस्त से 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बताया कि इन मशकों में भारत, बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक की फौज भी हिस्सा लेगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का यह भी कहना है कि रवां साल चीन और रूसी फौज के दरमियान ये दूसरी फौजी मशकें हैं। चीन ने आलमी बरदरी पर जोर दिया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत का आगाज करें ताकि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को एतमाद मिले। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने आलमी बरदरी पर जोर दिया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत का आगाज करें ताकि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को एतमाद मिले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अक़वामे मुत्तहिदा में मंदूब जांग जून ने अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत के क़याम के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर कहा है कि आलमी बरदरी ने इंतजामिया को एतमाद और रहनुमाई फराहम करने के लिए ताल्लुकात बहाल करे। चीन के अक़वामे मुत्तहिदा में मंदूब जांग जून ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की साबिक क़यादत को भी अपने तजुर्बात से मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। हुकूमत ख़त्म हो जाने से उनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर अमरीका ने ऐलान किया कि अलकायदा रहनुमा एमन अलजवाहरी की काबुल में मौजूदगी अमन मुहैदे के खिलाफ वर्जी है, इसलिए मुंजमद अफगान फंड्स जारी नहीं करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका के अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स की बहाली में जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे क्योंकि इस बात की कोई जमानत नहीं कि मुंजमद फंड्स जारी कर दिए जाएं तो ये रकम दहशतगर्दों के हाथों में नहीं जाएगी। वाज़ह रहे कि अमरीका में अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के 7 अरब डॉलर रकम मुंजमद है, जिसमें 3.5 अरब डॉलर 9/11 हमले में हलाक होने वालों के लवाहकीन को जबकि आधी रकम अफगानिस्तान को जारी की जाएगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इलाके खैर खाना में मस्जिद के अंदर होने वाले धमाके में 20 अफराद जाबहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जदरान का कहना है के PD-17 में मस्जिद में धमाका हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया के मुताबिक जबहक होने वालों में मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं। अफगान उमूर पर नजर रखने वाले सहाफियों ने जबहक होने वाले इमाम का नाम मौलवी आमिर मोहम्मद काबली बताया है, जिनके कत्ल का फतवा कई माह पहले दाइश की जानिब से जारी किया गया था। धमाके की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।